अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मौजूद हूँ मैं नुसरत भाई के होटल पर, जहाँ पर काफ़ी सारी तादाद में लोग यहाँ पर इनके सिर्फ छोले पराठे खाने के लिए यहाँ पर इनके पास आते हैं। और अगर इनके पास जो खाने वाले हजरात हैं वो कहाँ से आते हैं, वो भी अगर आपको थोड़ा सा गाइड किया जाए तो वो थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। यहाँ पर बाहर से घोड़े यहाँ पर इनके पास आते हैं, यहाँ पर स्पेशल सिर्फ इनका पराठा खाने के लिए। और दूसरी बात अगर की जाए तो इनके पराठे की, वो भी थोड़ा सा क्लियर करके बताऊँगा। ये बैग पर आप देख रहे हैं इनके पास ये इस वक्त पराठे रेडी हो रहे हैं, और पराठे रेडी किस तरह होते हैं ये भी एग्जैक्ट करके आपको बताऊँगा। तो दूसरी बात यह कि सबसे पहले मैं जो नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन प्रेस करें, ताकि कोई इसके रिलेटेड कोई वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज पराठों के बारे में कौन सी वीडियो। तो व्यूअर्स, इस वक्त ये आप देख रहे हैं यहाँ पर पराठा रेडी हो रहा है। तो अगर इसकी बात की जाए पराठे, तो इस वक्त ये तीन पराठे रेडी हो रहे हैं। तो इसके ऊपर एक उस मकदार से आयल लगाया गया है कि जिस मकदार से इसके ऊपर जो है ना पराठे का कलर आप देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही प्यारे अंदाज से पराठे तैयार हो रहे हैं। और अगर बात की जाए तो जो लोग इधर यहाँ पर आते हैं, कुछ मुलाजमीन यहाँ पर इनके पास काफ़ी सारी तादाद में आप इस वक्त देख सकते हैं यहाँ पर आते हैं खाने के लिए। तो पराठों की अगर बात की जाए तो इनके पास ये आप देख सकते हैं पराठे का कलर बहुत प्यारा पराठे उन्होंने तैयार किए। सुबह ये टाइम है और इस वक्त ये रेडी भी कर रहे हैं। इनके पास अगर बात की जाए खानों की वैराइटियों की, तो काफ़ी सारी इनके पास वैराइटियाँ मौजूद हैं यहाँ पर। काफ़ी सारी तादाद में लोग यहाँ पर इनके पास है, दूर दूर से यहाँ पर लोग सुबह का नाश्ता करने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो अगर बात की जाए पराठों की, तो पराठे इनके आपको देख सकते हैं यहाँ पर, थोड़ी सी जूमिंग करके आपको क्लियर करके बताऊँगा। ये इस पराठे का कलर है, ये लाल करके यहाँ पर देते हैं, और इसी वजह से इनके कस्टमर जो है इनके पास इस तरह की चीज़ खाने के लिए आते हैं। अगर बात की जाए इनके खानों की, तो इनके पास काफ़ी सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये देख सकते हैं ये सुबह का नाश्ता है चने, इसके अलावा हलवा पुड़ी भी होती है, और उसके अलावा काफ़ी सारी इनके पास और भी चीज़ें खाने के लिए रेडी होती हैं। अगर बात की जाए तो चाय, अगर बात की जाए उन शख्स की, तो ये हैं वो नुसरत भाई, जो कि आज से 8-10 साल पहले यहाँ से इस दुनिया से रुखसत पा चुके हैं। तो ये नुसरत भाई देख सकते हैं, ये इनके नाम पर ये होटल पहले चलता था, तो अब ये है कि इनको चलाने वाले अरब इनके जो दूसरे भाई हैं आसिफ भाई, ये खड़े हैं। तो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ भाई कैसे हैं जी? ठीक ठाक जी अल्हम्दुलिल्लाह। आसिफ भाई, कहाँ कहाँ से आपके पास लोग आते हैं और ये पराठे खाने के लिए? माशाल्लाह से जी, ये तो करीब से सारे आते ही हैं, दूसरा से भी लोग आते हैं ये पराठा खाने के लिए। अगर आउट ऑफ कंट्री की बात की जाए, तो अब तक यहाँ पर मैंने कुछ दिन पहले यहाँ पर कुछ बंदे बैठे हुए थे देखे थे, तो वो कहाँ से आए थे आपके पास? वो तो बहुत दूर दूर से आए हुए हैं जी, ये तो पता नहीं है, लेकिन काफ़ी दूर दूर से आए हुए हैं। उस दिन तो मैं आपके पास एक गोरा बैठा हुआ था देखा था, जो इस वक्त आया था, बिल्कुल नाश्ता कर दिया। अच्छा, वो एक गोरा इनके पास आया था जी, वो भी इनके सिर्फ किसी ने उसको बताया कि यहाँ का पराठा बड़ा मशहूर है TIP कॉलोनी का, तो उस वक्त इनके पास आया था, तो इस उन्होंने यहाँ पर नाश्ता किया, तो इसके नाश्ता करने के बाद वो बड़ा खुश हुआ और उन्होंने बोला कि ये बहुत ही एक अच्छा सिलसिला है। तो फिर चलते हैं, ये नुसरत भाई का होटल है, ये TIP कॉलोनी में, और ये अंदर का इंटर है। अगर नुसरत भाई की बात